सोल्जर आ गए हैं सेरेमनी के लिए अंदर, और ये सारा जो यहाँ पे जो सारा अंदर जो सलाम वगैरह पेश करते हैं वो सब आपको दिखाते हैं अभी कैसे यहाँ पे एक्टिविटी होती है। ये मज़ार के बाहर का हिस्सा है, और ये जो सारे साथी थे अर्तुगरुल के, उनके भी सारी जो कब्रें हैं, ये तुर्गत और सारे जो करैक्टर आपने ड्रामों में भी देखे हैं वो सब की कब्रें यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पे देखें जी, ये सारे जो अर्तुगरुल के वक्त के जो भी ड्रेसेस थे सब यहाँ पे देखें, ये रेंट पे यहाँ मिलते हैं, आप पहन के इसके साथ वीडियो बनवाएं, पिक्चर्स लें, जो भी आपका है। तो यहाँ सामने मज़ार की तरफ हम जा रहे हैं, पता करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई हम लोग आज हैं सोगुत में, और सोगुत में हमारे आने की रीज़न आप लोग जानते ही होंगे कि हम यहाँ पर आए हैं अर्तुगरुल के मज़ार पे जाने के लिए, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये शहर कैसा है, यही सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। हम लोग जा रहे हैं अभी अर्तुगरुल गाजी के मज़ार। हम लोग आगे थे बुरसा, और बुरसा से अब हम लोगों ने यहाँ से बस ली है। यहाँ से जब भी आपने बस लेने आना है तो आप लोगों ने पहले रिकन्फर्म कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़िक्स किराया नहीं बताता, कोई बताता है 400 लीरा, कोई 200 बताता है, कोई 600 बताता है, लेकिन एक्चुअल जो यहाँ से जो किराया है वो है 100 लीरा। उन्होंने 100 लीरा दे दिया है। अब यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की सफ़र के बाद हम अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पहुँचेंगे, और आज रात को हम उसी के आस पास का जो गाँव है वहीं स्टे करेंगे। वहाँ हमने सामने एक होटल ले लिया था उस तरफ, बाकी शहर देखिए माशाल्लाह कितना पुरसकून, जैसे हिल एरिया है बेसिकली ये, ठीक है। और ये बुरसा से तकरीबन आपको यहाँ पे आते हुए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें इस्तांबुल से यहाँ आने के लिए तो तकरीबन आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि अब बस किस रूट से आ रही है, वरना फेरी से बुरसा आएँ और फिर बुरसा से फिर आप यहाँ आ जाएँ। हम पहुँच गए हैं अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के बाहर, और अब हम अंदर जाने लगे हैं, और अंदर के मनाजिर अभी आपको दिखाते हैं, और यहाँ से कहीं पता करते हैं कि वो जो ड्रेस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ताकि हम चेक करके आपको सारा वो चीज़ें अपडेट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी, ये सारे जो अर्तुगरुल के वक्त के जो भी ड्रेसेस थे सब यहाँ पर देखें, ये रेंट पे यहाँ मिलते हैं, आप पहन के इसके साथ वीडियो बनवाएं, पिक्चर्स लें, जो भी आपका है। तो यहाँ सामने मज़ार की तरफ हम जा रहे हैं, पता करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हम अभी अर्तुगरुल के जो मज़ार पे जा रहे थे, रास्ते में हम रुके हैं, तो ये एक कैप शॉप है जहाँ पे सारे ओरिजिनल वही कॉस्ट्यूम ये भाई हैं इनके, माशाल्लाह ये ऑनर हैं शॉप के, तो मैंने कहा आप भी ज़रा पहन के दिखाएं। ये बिल्कुल वैसे ही मुझे कैरेक्टर है जैसे आपने ड्रामों में देखे हैं, ये ओरिजिनल बिल्कुल जो भेड़िए के जो है खाल की बनी हुई कैप है सारी, ये भाई ने भी बिल्कुल जो ओरिजिनल लेदर जो उस ड्रामे के अंदर जो कॉस्ट्यूम यूज हुए ना सारे, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज के जो है ना लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये नीचे जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी है, ऊपर थोड़ा सा ज़रा हाई क्वालिटी है, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त है। और नॉर्मली लोगों के साथ यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो उर्दू नहीं या उर्दू या इंग्लिश नहीं समझते, ज़्यादातर वो तुर्किश ही समझते हैं। तो आप अगर यहाँ पर आए तो बेस्ट वे ये है कि आप कोई ऐसी पेड ऐप खरीद के लाएं जिसमें आप उर्दू बोलें या इंग्लिश बोलें, तो उसको ट्रांसलेट करके वो तुर्किश में उन लोगों को बता दे। तो बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। पहन लिया है ड्रेस, और अब हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाके आपको अभी यहाँ पे एक सेरेमनी हो रही है वो दिखाते हैं। सोल्जर आ गए हैं सेरेमनी के लिए अंदर, और ये सारा जो यहाँ पे जो सारा अंदर जो सलाम वगैरह पेश करते हैं वो सब आपको दिखाते हैं अभी कैसे यहाँ पे एक्टिविटी होती है।
Dön! Ertuğrul Gazi Türbesi saygın öbetine hukukatsız olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygın öbetine hukukatsız olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygın öbetine hukukatsız olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygın öbetine hukukatsız olarak devralıyorum. İleri! Bak! Sağ ol! Sağ ol! Ön! Çalım ileri! Marş! Yerler hazır! Marş! Uygun adım, ileri marş! तो दोस्तों हम आ चुके हैं अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे और अब हम आपको अंदर जाके मज़ार का विजिट भी कराते हैं। ये जो ड्रेस सारा मैंने पहना हुआ है ये आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाता है, आप रेंट पे लेके इसको पहने और ये एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहते हैं कि आपको वही उस ज़माने का एक्सपीरियंस है, ये कुल्हाड़ा या तलवार ये सब ओरिजिनल है, ये वही सारा ड्रेस है जो उस ज़माने में यूज़ होता था। मज़ार के बिल्कुल हम लोग स्टार्ट में खड़े हैं और आपको लेके हम लोग मज़ार के अंदर चलते हैं कि इतने बहादुर इतने जंगजू बंदे का जिसने उस वक्त के लोगों को एहसास दिलाया कि यहाँ पे उन लोगों की एक अलग खिता होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी जिसको जाके मुकम्मल उस्मान गाजी ने जाके किया। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हलीमा सुल्तान ये जो है उनकी कब्र है और अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर और अंदर का आपको जाके सारा दिखाते हैं। अच्छा जी, हम लोग मज़ार के भी अंदर हैं और यहाँ से अंदर जाना जो है ना वो शूज़ के साथ अलाउ नहीं है, तो यहीं से हम लोग जो है बस यहीं तक का जो पॉइंट है, मतलब इवन यहाँ तक के वीडियो बनाने भी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको यहाँ बताया तो कि हम लोग बस इस हदूद से अगर अंदर जाना है तो शूज़ वगैरह उतार के जाना है। बस हम लोगों ने इतना ही पार्ट यहाँ पर शूट करना था, बाकी मैं इंशाल्लाह बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बाहर जाके देता हूँ। अभी हम यहाँ पर दुआ करके फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे। अच्छा जी, ये बाहर ये मज़ार के बाहर का हिस्सा है और ये जो सारे साथी थे अर्तुगरुल के उनके भी सारी जो कब्रें हैं, ये तुर्गत और सारे जो करैक्टर आपने ड्रामों में भी देखे हैं वो सब की कब्रें यहीं पर मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, सामसा, साल्तो सब की जो हैं कब्रें यहीं पर मौजूद हैं और बड़ा एक सुकून है यहाँ पे। एक बस हम लोग अब यहाँ से जो है आगे निकलने लगे, तो बड़ा ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर आके और बहुत अच्छा लगा कि एक मौका मिला इतनी बड़ी हस्ती के पास यहाँ पे आने का, और अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा। हम लोग यहाँ पे रहे और नाइट स्टे किए कि यहाँ पे, अभी बस हम लोग जा रहे हैं वापस। ये भाई हैं हमारे, ये बड़े फेमस हैं यहाँ तुर्की में और ये माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना इनका जो ड्रेसअप है और इनका सारा स्टाइल है। टेल योर नेम। चितिन इक्कीस काई कॉस्ट्यूम माई शॉप। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुक वेरी हैंडसम। हे वल्लाह। तो जी ये था हमारा सोगुत का जो है सफ़र जिसमें हमने आपको अर्तुगरुल का मज़ार दिखाया, यहाँ से हमने ड्रेस लिया रेंट पे और वहाँ गए और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने यकीन माने इतना हैवी ड्रेस था जब हमने पहना तो यहाँ पे सर्दी अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से 5-10 सेल्सियस के आसपास का जो है ना टेम्परेचर है यहाँ पे, लेकिन ड्रेस पहनने के बाद बिल्कुल जो है ना सर्दी फील ही नहीं हो रही थी, बल्कि उसको कैरी करना पड़ा था, इतना हैवी है। अब ये ड्रेस पहना हुआ है, शूज़ पहने हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं इस टाइम पर, लेकिन वो जो फील था ना ऐसे, वो हमें जब वहाँ पर गए और जब बहुत सारे लोग आए उन्होंने हमारे साथ पिक्चर भी ली सेल्फी भी ली कि यार आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही लग रहे हैं कि जैसे उस वक्त के दौर के लोग होते थे। हम तीनों के साथ माशाल्लाह लोगों ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और हमने आके ड्रेस यहाँ वापस कर दिया। अब हमारा ट्रैवल जो है यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है। मैं दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा बताया तो अगर आप जानना चाहते हैं कि तुर्की का वीज़ा कितने का है, मैं थोड़ा सा एंड में बताया, तो तुर्की का वीज़ा है 48,600 का और तुर्की की टिकट है, डिपेंड करता है अगर आप वाया किसी एयरलाइन के आ रहे हैं, मतलब कतर एयरलाइन या किसी और के, तो टिकट थोड़ी कम में मिल जाएगी, 1,00,000-1,20,000 के आसपास की मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से आएंगे तो तकरीबन वो 1.5 लाख के फिर आसपास की आएगी। अगर आप तुर्किश एयरलाइन से आएंगे तो और महंगी है, डिपेंड करेगा सीज़न पे कि सीज़न कैसा है। तो खैर ओवरऑल यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। होटल यहाँ पे 700 लीरा के आसपास के मिल जाते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, मतलब आपने सुबह उठना है और ब्रेकफास्ट उनकी तरफ से होगा जितना मर्जी
जैसे आप बूफे सिस्टम होता है वो खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो अब हमारा आगे का सफ़र जो है शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, आगे नेक्स्ट 3-4 हमारे सिटीज़ हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को मैक्स एक्सप्लोर कीजिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।